रीवा जिले के गूड़ में हुए गैंगरेप कांड को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का पहला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवीयता के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की दरिंदगी समाज के लिए एक काले धब्बे के समान है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। पीड़िता की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए शुक्ल ने कहा कि इतनी भयावह घटना के बाद भी पीड़िता ने जिस साहस के साथ खुद को संभाला है, वह सचमुच प्रेरणादायक है। उन्होंने प्रशासन को इस मामले में बिना किसी देरी के कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिल सके। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कानून को प्रभावी रूप से लागू करने और अपराधियों को पकड़ने में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इस प्रकार का वीडियो संज्ञान में आया है और तत्काल उस पर शासन ने गंभीरता के साथ कड़ी कार्रवाई की है। जांच भी हम कर रहे हैं और जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें और भी ज़्यादा कड़ी कार्रवाई करेंगे। कल रीवा बंद करवा रही है कांग्रेस गुड़ की घटना को लेकर। गुड़ की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इससे दरिंदगी इससे बड़ी और कुछ हो नहीं सकती है। और मैं तो उस बहन को ये उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि बड़े साहस के साथ उन्होंने अपने पति के साथ जाके उन अपराधियों को शिकंजे के बाहर करने में, अंदर पहुँचाने में बहुत ही साहस का और बहुत ही हिम्मत का परिचय दिया है। और जिन लोगों ने ये कुकर्म किया है वो आपको मालूम है कि बहुत गंभीर जेल के अंदर भी हैं और उनको बड़ी कड़ी से कड़ी सजा अदालत देगी, ऐसा हम लोग भरोसा करते हैं। कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन कर रही है, रीवा का आह्वान किया है। अब वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इस घटना पर जरूर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती थी वो की गई।